करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, वेल्थ अच्छा से होंगे, हेल्दी होंगे। सो माय नेम इज मोलेंड्रा रियांग एंड फ्रॉम ब्यूटीफुल सिटीज फ्रॉम त्रिपुरा। आज हम आप सभी को मदद करने के लिए आए हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। वी विल रीड अ डेफिनेशन एंड जस्ट कम टू नो इट इन हिंदी। फर्स्ट इज दैट द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसको क्या बोलेंगे हम? आर्टिकल्स। दे कम बिफोर नाउन्स। ये सब क्या आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। अब देयर आर टू आर्टिकल्स ए एंड द। दो प्रकार का आर्टिकल्स होता है। क्या क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब पता लगाते हैं सबसे पहले कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या कहते हैं। ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और द को क्या बोलेंगे हम? डेफिनेट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ए और एन कहां पर ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो आप सभी को मैंने समझा के रखा है कि दैट ज्यादातर ए कहां पर इस्तेमाल होता है? जहां पर कॉन्सनेंट होता है, यूज हो जाता है ना, द काउंटेबल्स है। अब ए एन को कहां पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर वाउल्स पहले शब्द में आए, तब हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन ज्यादातर बात आपको सोचना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा कि इस वीडियो में ए और एन ज्यादा प्रभाव होता है साउंड के ऊपर, वाउल्स के साउंड के ऊपर। सो आज की वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।